बढ़ते आगे और अब वक्त है लॉन्ग टर्म पिक मेहुल कोठारी साहब से जानने का। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी पैनल मेंबर्स को। आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है दैट इज पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा 470 के पास ट्रेड कर रहा है, यहीं पर खरीदारी करनी है। 415 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट रहेगा 580 का। मई महीने में एक ब्रेकआउट आया था स्टॉक में अराउंड 470 पर, वहां से एक रैली हमने देखी टूवर्ड्स 575, वहां से फिर से डिप आया है एंड स्टॉक में रीटेस्ट किया है इस ब्रेकआउट जोन को। यहां से अगर थोड़ा और फॉल आता है तो 355 के आसपास भी एक मेजर ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। जो भी बुलिश स्ट्रक्चर इसका बना था ब्रेकआउट के समय वो अभी भी इंटैक्ट है, तो मुझे लगता है जो गिरावट आई है ये खरीदारी का मौका है। सो खरीदारी की सलाह पीएनसी इंफ्रा में, अपसाइड टारगेट रहेगा 580 का। बताएं मेहुल जी आपकी पोजिशनल पिक पीएनसी इंफ्रा के बाद। अनिल जी जो पोजिशनल पिक है दैट इज एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 273 के पास ये ट्रेड कर रहा है। 248 का स्टॉप लॉस लगाना हमें, 323 का टारगेट रहेगा। कल एक मेजर ब्रेकआउट आया था इस काउंटर में, पैटर्न का नाम था बुलिश कप एंड हैंडल, आज उसको रीटेस्ट किया है अराउंड 275। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग इन शिपिंग स्टॉक्स, सो एससीआई में खरीदारी की सलाह, टारगेट रहेगा 323। और मेहुल जी आपको क्या पसंद है शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर? शॉर्ट टर्म पिक में है जुबिलेंट इंग्रेविया, 517 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 480 का स्टॉप लॉस रहेगा, 580 का टारगेट रहेगा। अप्रैल मंथ में एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आया था जो कि इनकम्प्लीट रह गया है, इसका टारगेट 600 के आसपास का टारगेट था, पैटर्न को रीटेस्ट किया है, सो एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो डिप आई है जुबिलेंट इंग्रेविया में, टारगेट रहेगा 580 का। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.